हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो। पीछे देखो, पीछे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हॉरर सर्वाइवल गेम के बारे में बताने वाला हूं। एंड इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको जिस गेम के बारे में बताऊंगा, ये प्योरली ऑफलाइन वर्क करती है। एंड जिनके पास ऐसा लो एंड डिवाइस है, लाइक जिनके फ़ोन में रैम कम है, वो लोग भी इस वाली गेम को अपने फ़ोन पर खेल सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बाकी कहीं जो गेम है ना, मुझे काफ़ी सही लगी। मतलब गेम का जो कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई थिंक अगर जो है आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको ये वाली गेम भी काफ़ी अच्छी लगेगी। बाकी गेम का नाम क्या है, फाइल साइज क्या है, गेम का कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत करना। एंड जो लोग चैनल पर नए आए हैं भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100K में बस 2000 सब्सक्राइबर बाकी हैं। अगर जो है आप लोग करोगे तो यार हो जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी गेम कैसी लगी वो जो है जाकर आप कमेंट बॉक्स में बता देना हमें। तो अगर जो बात करें गेम के बारे में, तो ये है इस गेम की मेन लॉबी, जहाँ पर देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। एंड गेम का नाम भी आपको ऊपर ही दिख रहा होगा। तो गाइस वाली गेम का नाम है एंडलेस नाइटमेयर वियर्ड हॉस्पिटल। ये जो गाइस गेम है ना, ये ऐसे मतलब स्टोरी बेस्ड भी है एंड हॉरर भी है, सर्वाइवल भी है और पजल टाइप में भी है। मतलब ऑल इन वन है यार। तो गेम मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड डेफिनेटली आपको भी अच्छी लगेगी अगर जो है आप वीडियो लास्ट तक देखोगे। तो गाइस अगर जो है आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर तीन चार ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर गेम को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर न्यू गेम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखोगे आपको तीन मोड मिलेगा, नॉर्मल, हार्ड और नाइटमेयर। तो सिंपली आप नॉर्मल से स्टार्ट करना। तो गाइस जो गेम है ना, जैसे मैंने आपको बताया भी कि गेम के अंदर आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी। तो अगर जो है मैं आपको स्टोरी अपने शब्दों में समझाऊं जो कि आपके इजीली समझ में आ जाए तो सही रहेगा ना। तो गाइस क्या है कि अगर मैं आपको स्टोरी समझाऊं, तो जब जो है आप गेम को स्टार्ट करोगे ना, तो देखोगे कि आप एक हॉस्पिटल के अंदर ऐसे कुछ तो पिस्टल लेकर जा रहे होगे एंड नर्स से आप कुछ तो पूछ रहे होगे डॉक्टर के, पता कि डॉक्टर कहाँ है। तो नर्स जो आपको बताएगी कि डॉक्टर इस वाले रूम के अंदर है, यहाँ पर जाओ। तो उस रूम के अंदर जाओगे तो देखोगे डॉक्टर आपको सामने दिखेंगे। बट गाइस क्या है ना कि इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ तो सीक्रेटली काम हो रहा था एंड यहाँ पर जो भी पेशेंट थे एंड जो नर्स थी वो सब लोग यहाँ पर ऐसे जोम्बी में बदल गए हैं। तो देखोगे जो डॉक्टर होगा ना, ये भी जो है यहाँ पर जोम्बी में बदल गया होगा एंड जो भी यहाँ पर इस रूम में मरीज थे वो भी यहाँ पर जोम्बी में बदल गए होंगे। वो जो है आपके ऊपर ऐसे अटैक कर देंगे। तो गाइस इतना होने के बाद जो है आप देखोगे आपको होश आएगा। तो आपके ऊपर भी कुछ तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये लोग। और गाइस यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, ये यहाँ पर ऐसे कुछ तो माइंड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि माइंड के साथ कुछ तो खेल रही होती हैं। तो टाइमली जो है आपको यहाँ पर होश आ जाता है एंड होश आने के बाद देखोगे तो आपके आसपास कोई भी नहीं रहेगा एंड आपके पास एक पिस्तौल रहेगी जिसमें कि भाई एमओ ही नहीं होगी। तो सामने देखोगे तो एक मरीज ऐसा कुछ तो बेड पर पड़ा होता है एंड इसके पास जाओगे तो यहाँ से जो है आपको एक नाइफ मिल जाएगी। एंड यस गाइस, ये जो गेम है ये प्रॉपरली फर्स्ट पर्सन रन करती है, गेम के अंदर थर्ड पर्सन का सपोर्ट नहीं है। तो जब जो है आपको नाइफ मिल जाएगी एंड इस वाले रूम से अगर आप एग्जिट करोगे तो सामने जो है रूम में जाओगे, वहाँ पर देखोगे कुछ तो ऐसा एक जोम्बी या फिर कह लो कि पेशेंट वो यहाँ पर चीख रहा होगा। मतलब मैंने आपको बताया नहीं कि इस वाले हॉस्पिटल के अंदर कुछ तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा था जहाँ पर जितने भी मरीज हैं या फिर कह लो जितने भी पेशेंट हैं, जो भी यहाँ पर नर्स हैं, वो सब अब यहाँ पर जोम्बी में बदल गए हैं। केवल आप इस हॉस्पिटल में अकेले बचे हुए हो। अब आपको यहाँ से एस्केप करना है या फिर कह लो कि आपको इस हॉस्टल के अंदर आपको सर्वाइव करना है। जब जो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने बाद सिंपली आपको क्राउच करके इस जोम्बी के पास जाना है एंड इसको मार देना है। मारने के बाद जो है सिंपली आपको पिस्टल मिल जाएगी। मतलब पीछे आओगे तो आपको एक मरीज मिलेगा, उसके उस वहाँ से जो है आप पिस्टल उठा लेना। उस पिस्टल में जो है एमओ भी होगी, कुछ एमओ। तो उसको उठाने के बाद जो भी यहाँ पर ये जोम्बी है इसको मार देना। एंड मारने के बाद अब करना क्या है गाइस कि आपको इस हॉस्टल में सर्वाइव करना है या फिर कह लो कि आपको एस्केप करना है।
मैंने आपको अभी बताया कि जो है गेम ऐसे थोड़ी सी पजल टाइप में भी है, आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करना होगा। मतलब जो भी यहाँ पर गाइज रूम है ना, कुछ रूम लॉक होंगे, उनकी जो है आपको कीज ढूंढनी पड़ेगी, तो ये सब जो है आपको काम करना पड़ेगा। बाकी अगर जो बात करें गेम के ग्राफिक्स एंड साउंड इफेक्ट के बारे में, तो नो डाउट गाइज गेम के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, वहीं जो साउंड इफेक्ट है ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर जो है आप इस वाले गेम को नाइट में हेडफोन लगा कर खेलोगे तो भाई आपको ऐसे गूज़बम्प्स भी आने लगेंगे। एंड लिटरली गाइज वाली गेम का जो कॉन्सेप्ट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बाकी गेम के अंदर जो है आपको ऐसा ही काम करना है, मतलब जो है आपको यहाँ पर सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए जो है आपको यहाँ पर अलग अलग रूम्स को चेक करना है, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, कुछ जो है आपको ऐसे कीले मिलेंगे, मतलब कुछ मटेरियल मिलेंगे जिसके थ्रू जो है आप अपने लिए वेपन भी तैयार करोगे। मतलब क्या है ना गाइज कि गेम के अंदर आपको कुछ चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, एंड आपको अलग 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 रूम में जाना पड़ेगा। और जो गेम है गाइज प्रॉपरली ऑफलाइन है, बट कहीं कहीं पर आपको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट गाइज इसलिए चाहिए क्योंकि जो है गेम में कहीं पर अगर आप लाइक फंस जाते हो, आपको कुछ हिंट चाहिए कि अब मुझे करना क्या है, तो ऊपर देखोगे एक हिंट का आइकन बना होगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके लिए जो है आपको ऐड देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर जो है आप ऐड देखना चाहते हो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट जो है आपको केवल एड्स देखने के लगेंगे, बाकी गेम को खेलने के लिए कोई भी इंटरनेट आपको नहीं लगेगा। और गाइस गेम के अंदर आपको वेपन्स भी मिलेंगे, वेपन्स तो इजीली मिल जाते हैं, बट उसकी जो एमओ है ना वो काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पर। मतलब एक एक एमओ की गाइस काफ़ी ज़्यादा कीमत है यहाँ पर, एक एक एमओ से जो है आप यहाँ पर मर सकते हो। लाइक अगर जो है आपके पास कोई भी एमओ नहीं है और किसी जोम्बी ने जो है आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो भाई बचना इम्पॉसिबल है, वो जो है आपको इजीली मार देगा। तो गाइस गेम के अंदर सर्वाइव करने के लिए आपके पास जो भी वेपन है उसमें ध्यान रखना है कि उसमें एमओ अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर एमओ उसमें नहीं है तो प्लीज़ जाकर आप एमओ खरीद लेना। उसके एमओ के लिए करना क्या है गाइस कि जो है आपको यहाँ पर एड्स देखना पड़ेगा, या फिर जो है आप पैसे देकर भी एमओ खरीद सकते हो, या फिर खुद से जो है आप उसको क्राफ्ट भी कर सकते हो। उसके लिए जो है आपको कुछ मटेरियल लगेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो है सिंपली आप ऐड देख लेना। एक ऐड के आपको आई थिंक 4 या फिर 6 एमओ मिल जाती है। यहाँ पर एक एक एमओ की गाइस काफ़ी ज़्यादा कीमत है, आप फालतू एमओ वेस्ट मत करना। जहाँ पर भी काम लगे वहीं पर आप फायरिंग करना, नहीं जो है आप इजीली काम कर लेना अपना। तो गेम मुझे काफ़ी अच्छी लगी गाइस, एंड गेम का जो कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी गेम का जो नाम है गाइज अगर उसके बारे में बात करें तो गेम का नाम है इंडलेस नाइटमेयर वियर्ड हॉस्पिटल, और वहीं जो गेम की साइज़ है वो है 264 MB। ओके, तो गेम अंडर 300 MB में है, जिनके पास लो इंड डिवाइस है वो लोग भी इस वाली गेम को खेल सकते हैं अपने फ़ोन पर। तो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वाली गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में बसना ही, आई होप आपको ये वाली गेम अच्छी लगी होगी एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और भाई प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइज, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।